नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक, आपको मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। सो दोस्तों, इंडिया में 29 जून को 59 चाइनीज ऐप बैन होने के बाद इंडिया ने एक और लिस्ट तैयार की है जिसमें 275 चाइनीज ऐप्स के नाम हैं। तो अब इंडियन गवर्नमेंट इन सारे 275 ऐप्स को अच्छी तरीके से एग्जामिन करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी वायलेट हो रहा है या नहीं, या फिर यूजर जो प्राइवेसी है वो वायलेट हो रहा है या नहीं। चाइनीज ऐप्स को इंडिया से बैन करने के बाद तो सही था, लेकिन दोस्तों अब इस 275 चाइनीज ऐप्स के लिस्ट में पबजी का नाम भी शामिल है। तो अगर अब इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि पबजी मोबाइल किसी भी तरह से इंडिया के जो यूजर्स है उनके डेटा प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है, तो अब इस पबजी मोबाइल को इंडिया से बैन करने के लिए कोई भी टाइम नहीं लेगा। क्योंकि दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट की जो 275 चाइनीज ऐप्स की लिस्ट है उसमें पबजी मोबाइल भी शामिल है। तो अब इस पबजी मोबाइल को अच्छी तरीके से एग्जामिन करके देखेंगे कि ये किसी भी तरह से यूजर्स जो डेटा पॉलिसी है उसको मिसयूज कर रहा है कि नहीं। तो अगर एग्जामिन रिजल्ट में किसी भी तरह से पबजी मोबाइल डेटा पॉलिसीज को वायलेट करते हुए पकड़ा जाता है, तो सडनली इंडिया में पबजी को बैन कर दिया जाएगा, जैसे टिकटॉक को एक ही रात में बैन कर दिया गया था। अब दोस्तों, ये प्रॉब्लम की बात है कि अगर पबजी मोबाइल को इंडिया से बैन कर दिया गया तो अब क्या होगा। क्योंकि दोस्तों, अभी जो टाइम चल रहा है वो है लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन में लोग अभी घर में ही बंद है और घर में बैठकर पबजी मोबाइल प्ले करके ही सबसे ज़्यादा टाइम निकालते हैं। तो अगर पबजी मोबाइल सडनली ऐसे बैन हो गया इसी लॉकडाउन के बीच में, तो अब यूथ जो है वो क्या करेंगे, वो सीधा डिप्रेशन में जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, लॉकडाउन और कोरोना की डर की वजह से कोई भी अब बाहर नहीं जा सकता कि बाहर जाकर और कोई काम करे, तो इसीलिए जो यूथ जो है वो घर में बैठकर पबजी खेलते थे, तो जिसके कारण पबजी अब एक आदत बन चुका है। पहले भी था लेकिन अब ज्यादा आदत बन चुका है। तो इसके लिए अगर पबजी सडनली इंडिया में बैन हो गया तो ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इंडिया का जो टोटल पबजी इंस्टॉल है वो है 175 मिलियन, जो कि और किसी भी देश में नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर पबजी का यूजर बेस भी समझ सकते हैं कि कितने सारे प्लेयर्स जो है पबजी खेलते थे हर रोज, जिसके कारण पबजी मोबाइल वन ऑफ द हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग गेमिंग कंपनी है जो चाइना में बेस्ड है। तो अगर इंडिया से चाइनीज कंपनी पबजी बैन होता है तो चाइना को एक एक दिन में करोड़ों रुपए का नुकसान सहना पड़ेगा, वैसा ही लॉस जैसे इंडिया से टिकटॉक बैन होने के बाद चाइना को फेस करना पड़ा। इस बात पे आप लोगों का क्या कहना है ये मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो इस 275 चाइनीज ऐप्स के लिस्ट में सिर्फ पबजी ऐसा ऐप नहीं है जो कि सबसे बड़ा है, और भी काफी सारे बड़े बड़े ऐप शामिल हैं। जैसे कि दोस्तों, अली एक्सप्रेस, जिसका ओनर चाइना का सबसे बड़ा ई कॉमर्स कंपनी है, वो है अलीबाबा। इसके बाद दोस्तों, जिली, जिसका फीचर बिल्कुल टिकटॉक जैसा ही मिलता जुलता है, और दोस्तों इसका ओनर है शाओमी। जून 29th में टिकटॉक इंडिया से बैन होने के बाद जिली ऐप में 167% की टोटल ग्रोथ दिखी थी डाउनलोड के मामले में। शायद ये ऐप इंडिया में टिकटॉक की ही जगह लेने वाला था, लेकिन आज ये एप्लीकेशन उस 275 चाइनीज ऐप्स के लिस्ट में शामिल है। अगर चाइनीज ऐप पबजी मोबाइल इंडिया से बैन होता है तो इंडियन यूजर्स के पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो है फ्री फायर। फ्री फायर पबजी जैसा ही बिल्कुल सिमिलर गेम है जो कि एंड्रॉयड एंड iOS में अवेलेबल है। फ्री फायर गेम को बैन करने का सवाल नहीं आता, क्योंकि ये कोई भी चाइनीज ऐप नहीं है, इसका ओरिजिन सिंगापुर है। तो अब ये हो सकता है कि इंडिया में जो पबजी का टोटल यूजर बेस है वो फ्री फायर की तरफ इंटरेस्टेड हो जाए अगर पबजी बैन होता है तो। मेरे ख्याल से पबजी जैसे ही बिल्कुल सेम गेम के साथ इंडियन डेवलपर्स को भी सामने आना चाहिए, तभी दोस्तों इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगा। इसके बाद दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक बात कह दी है कि वो लोग अब एक लॉ लाने जा रहे हैं जिसमें कुछ रेगुलेशंस होंगे जिसके हिसाब से इंडिया में ऐप कंपनीज को काम करना होगा। आई होप इंडिया में ये लॉ अच्छी तरीके से इफेक्टिव होए। बाकी आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस देखना हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।